हाँ बाबा, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। रोशन, जो भी मेरे हाथ लगा ना, मैंने वही पहन लिया। अब तुम्हें तो पता है ना, हमने अभी अभी शिफ्ट किया है। अभी कार की चाबी कहाँ मिल गई? हाँ हाँ, मैं ढूंढ लूंगी, तुम चिंता मत करो। बाय। बस अब और इंतजार नहीं करना है मुझे। आज रात ही हम उसका खून कर डालेंगे। लेकिन कैसे? हमेशा उसका पति उसके साथ ही रहता है। मैंने सब पता कर लिया है। आज रात घर पर कोई नहीं होगा, वो अकेली है। मैंने प्लान बना लिया है। आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी, आखिरी रात। प्लान? कैसा प्लान? मुझे कुछ बताते ही नहीं हो यार, तो मुझे भी तो बताओ। आखिर इस जुर्म में मैं तुम्हारे साथ हूँ। वक्त आने पे सब पता चल जाएगा तुम्हें। फिलहाल मैं जितना बोल रहा हूँ वो कान खोलकर सुनो। देखो, जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगी, तुम पीछे के रास्ते से उसके घर में चले जाना। मिक्की, मिक्की तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बेडरूम में सुलाया था ना। लेकिन मम्मी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो सारा फेस चॉकलेट से गंदा करके रखा हुआ है। और ये सब क्या है? मम्मी, लेकिन मैंने इस रेडियो को ठीक कर दिया। मैंने अच्छा किया ना? हाँ मेरा बच्चा, तूने बहुत अच्छा किया। पर चलो यहाँ से। थोड़ी देर बाद मम्मी प्लीज, अब मैं ये वॉकी टॉकी को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। हाँ, मेरा बच्चा जो बनना चाहता है वो बनेगा, पर अच्छे बच्चे देर रात तक जगते नहीं है, इसलिए चल के सो जाओ, ठीक है? चलो यहाँ से। मैं और तुम्हारे पापा घर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है? और मैं घर का दरवाजा बाहर से लॉक करके जा रही हूँ। सुबह 11 बजे आ जाऊंगी। पर तुम कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि काका सुबह 7:30 बजे आ जाएंगे और चाबी उनके पास, ठीक है? और तुम बिल्कुल भी बदमाशी मत करना, चुपचाप सो जाओ। ओके, गुड नाइट। आग बंद। हाँ बिस्किट, चलो खाते हैं। टेलीस्कोप, चल तारे गिनते हैं। और अगर कोई टूटता हुआ तारा दिख गया तो एक विश भी मांगूंगा। चलो कुछ खाते हैं। ओहो, अरे वो सामने वाले बंगलों में क्या हो रहा है? आंटी इतनी जोर से क्यों खटखटा रही है? अरे ये सिल्वर कार में दूसरी आंटी लगता है भाग रही है यहाँ से। घर पे और कोई नहीं दिखता, लगता है आंटी घर में फंस गई है। आंटी जरूर बहुत बड़ी मुसीबत में, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं भी कैसे निकलूं? हाँ, आज अचानक डिनर पार्टी कैसे रख दी? ओकेशन कुछ खास नहीं था, लेकिन इतने सालों बाद इकट्ठा हुए इसलिए पार्टी रख दी। चलो ठीक है। बचाओ, बचाओ। अरे मारा यार, चाकू मारा है क्या? किसी ने इसे चाकू मारा है? इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। क्या उसे उसे बचा लिए? बचा लिए किसको?
उसे बचा लीजिए। कौन? ये तो मर गया। है कौन ये आदमी? पता नहीं, 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 पता नहीं। मोबाइल नहीं, कोई आईडी नहीं, मतलब खूनी सारा सामान लेके भाग गया। मगर किसे बचाने की बात कर रहा था? हाँ वही तो। और ये बार बार अपने घाव की तरफ इशारा क्यों कर रहा था? बेटा आप आप यहाँ कैसे? मैं आपको बचाने आया हूँ। आप मुझे चलो चलो चलो। बेटा संभाल के। थैंक यू सो मच बेटा, आपने मेरी जान बचाई। अब आप कहाँ जाओगे आंटी? वहीं, जहाँ मेरी जान को कोई खतरा ना हो। आप मेरे घर चलिए ना, आप वहाँ छुप जाना। अरे वाह, तुम तो बड़े बहादुर बच्चे हो। बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? वो सामने। ओके चलो। हाँ संभालो। हाँ आप आंटी चलिए, ये मेरा ही घर है। पर बेटा हम लोग सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं, दरवाजे से क्यों नहीं? मम्मी और पापा दोनों बाहर गए हैं, उन्होंने बाहर से दरवाजा लॉक किया है। कल सुबह काका आएंगे और वो दरवाजा खोलेंगे। ठीक है चलो चलो, तुम जल्दी चढ़ो, मैं पकड़ती हूँ। संभाल के। आंटी मेरा नाम विक्की है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया है। पर बेटा तुम्हें तो कभी आसपास देखा नहीं, तुम यहाँ नए आए हो। हाँ आंटी चलो सीढ़ियाँ निकल। हाँ हाँ चलो। संगे क्या हुआ? बॉस इस चाकू पर कुछ लगा हुआ है, ये देखो कागज का टुकड़ा। ये कागज का टुकड़ा? हाँ बस लगता है इस आदमी के घाव में और भी कागज के टुकड़े, चेक करना पड़ेगा। बहुत अजीब बात है सर, इस आदमी पे किसी ने चाकू से वार किया था तो फिर कागज के टुकड़े इसके घाव के अंदर कैसे पहुंचे? कहीं ऐसा तो नहीं है ये आदमी कागज के टुकड़े को छुपाना चाहता था घाव के अंदर? हाँ सर, ये आदमी बार बार अपने पेट की तरफ इशारा कर रहा था। बस ये देखो प्यार सांगे, जरूर इस कागज के टुकड़े के अंदर कुछ तो होना ही चाहिए। और एक बात, वो क्या सर? इस आदमी का खून किसी पेशेवर खूनी ने किया, उसने इस आदमी के पेट में चाकू घोंपा और फिर उसको ऐसे घुमा दिया जिससे इस बेचारे की अंतड़ियां ही कट गई। घड़ी का वक्त तो आधे घंटे पीछे है, क्यों? सर हो सकता है घड़ी स्लो चल रही है और इसलिए गलत वक्त बता रही है। नहीं सचिन, ये घड़ी राइट टाइम दिखा रही है सर। इस आदमी की घड़ी आधा घंटा नहीं बल्कि 12:30 घंटे पीछे है। 12:30 घंटे पीछे? क्योंकि सर
ये आदमी अमेरिका से आया था। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो ये आदमी अमेरिका से आया? क्योंकि मुझे इसके कपड़ों पे से पोलन ग्रेन्स मिले, पराग कण, और ये फूल हमारे देश में नहीं पाए जाते, सिर्फ अमेरिका में पाए जाते। इस आदमी के बालों में देखो, ये सफेद सफेद पाउडर जैसा, नमक जैसा लगा। सर ये अमेरिका से आए हुए आदमी के बालों में नमक जैसा पाउडर कहाँ से आया? तारिका, चेक किया तुमने? हाँ सर, आपने जो कहा था वही है। ये देखो बस, ये बालों में सफेद सफेद पाउडर जैसा, ये एमोसाइड नाम का एक केमिकल है जो सीलिंग्स में और तारों में लगाया जाता है जिससे वहां पर आग ना लगे। एमोसाइड, पता लगाना पड़ेगा इस पेशेवर खूनी का, जिसने इस आदमी की अंतड़ियां काटी है। बैठिए आंटी, अब आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है। आपके पास फोन है, हम मदद के लिए सीआईडी को फोन कर सकते हैं। नहीं बेटा, मेरा फोन तो घर पर ही छूट गया। और बेटा आप भी बाहर मत जाइएगा, वो लोग कभी भी वापस आ सकते हैं। ये लीजिए, पानी पी लीजिए, और आपको भूख लगी है तो मुझे बता देना, मेरे पास चॉकलेट केक है, आपको खानी है? नहीं बेटा, थैंक यू। वैसे आपको कमरे में किसने बंद कर दिया था? कुछ बदमाशों ने, और वो वापस भी आने वाले थे मुझे मार डालने के लिए। थैंक यू सो मच बेटा, आपने मुझे बचा लिया, और मैं यहाँ आपके घर में हूँ, इस बात का तो किसी को शक भी नहीं होगा। अब मैं आपके साथ हूँ ना, और आप मेरे घर पे हो ना, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आपको कोई नहीं मारेगा। थैंक यू सो मच बेटा। सीआईडी वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? काम बहुत जरूरी है, चल। ठीक है ठीक है, बोलो क्या काम है? देख देखो, अमेरिका से एक आदमी आया था जिसका किसी ने चाकू खोप के खून कर दिया, इतनी बेरे में से मारा उसे कि उसकी अंतड़ियां कट गई। कोई पेशेवर नहीं है, हमें यह पता करना है कि इस परदेशी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया था। ठीक है, हो जाएगा। हेलो, क्या एक्सीडेंट? कोई औरत गाड़ी चला रही? आसपास का पूरा एरिया अच्छी तरीके से चेक कर लो। सर तो जब उस सिल्वर रंग के कार ने इस आदमी को ठोकर मारी, आप लोग यहीं पे थे? जी सर, गाड़ी उस ओर से आ रही थी और ये आदमी रास्ते के बीचों बीच वहां पर खड़ा हुआ था। दिखाओ कहां पे? जी सर, यहां पर सर। यहां पर? जी सर, सड़क के बीचों बीच। जी सर। हाँ सर, वो गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था और अपनी जेब से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। इतने में उस गाड़ी चलाने वाली औरत ने उसे उड़ा दिया और फुल स्पीड में निकल गई। उस औरत का चेहरा देखा आप लोगों ने? नहीं सर, गाड़ी बहुत स्पीड में थी और अंधेरा होने की वजह से साफ साफ कुछ दिखाई भी नहीं दिया था। सर झाड़ियों में ये गन मिली है, दीक्षित तमंचा। मतलब ये आदमी सड़क के बीच खड़े होकर जेब में हाथ डालकर ये तमंचा निकाल रहा था, ये उस औरत को मारना चाहता था, लेकिन खुद मारा गया।
आपको मारना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, मैंने तो मेरे साथ साथ तुम्हारी जान भी खतरे में डाल दी बेटा। आप मेरे बारे में मत सोचिए, पहले मैं आपको ऐसी जगह छुपा देता हूँ जहाँ वो बदमाश आपको ढूंढ ही ना पाए। चलो। आंटी आप यहाँ छुप जाइए। आंटी आपको यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ आप यहाँ से बाहर मत निकलना। मैं अभी आया। पर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये देखे, इसके सर पर भी मुझे वो एमोसाइड नाम का केमिकल मिला है जो पहले वाली लाश के बालों पे मिला था। दोनों के बालों में एमोसाइड? यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों भी एक ही जगह पर रहते हो या फिर किसी एक ही जगह पे काम करते हो? हो सकता है बॉस, मुझे भी यही लगता है। ये दोनों लोग किसी ऐसी जगह पर काम करते थे जहां पर एमोसाइड नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यार वो पहला आदमी तो अमेरिका से आया था हाल ही में, तो फिर ये दोनों एक साथ? पहले वाला आदमी सूट वूट में था, काफी अमीर लग रहा था, मगर ये तो साधारण कपड़े पहने हुआ था। एक मिनट तारिका, बॉस ये वो गुलाबी कागज है जो हमें पहले वाले की लाश के घाव पे से मिला था। ये देखिए। क्या लिखा? 365। इस कागज पर और भी कुछ लिखा हुआ था सर, लेकिन खून की वजह से मिट गया। हो क्या सकता है ये 365? 365, 365। जरूर इसके पीछे कोई खास मतलब है, नहीं तो उस बेचारे सूट बूट वाले आदमी ने मरते मरते भी इस कागज को अपने घाव में क्यों छुपा लिया होता? घाव में क्यों छुपा लिया होता? और फिर ये आदमी, ये उस रात रास्ते के बीच में गन लेकर क्यों खड़ा था? हाँ डेजो, बोलो। अब मैं वॉकी टॉकी फोन से सीआईडी को खबर दे सकता हूँ। मैंने टूटा हुआ तारा तो नहीं देखा है, लेकिन गॉड प्लीज मुझे सोनिया आंटी की जान बचाने में मदद करो और ये वॉकी टॉकी फोन को ठीक करने में मदद करो। प्लीज गॉड प्लीज। सोनिया आंटी, ये स्केट यहाँ कैसे आ गया? अबे देख के नहीं चलेगा तो और क्या होगा? अरे मुझे कह रहा था देख के चलने के लिए। भाषण बाद में दे, पहले मेरे उठा। उठा, उठ। ये कहां से आया? मुझे क्या मालूम। चल। सर, सर मैं अंदर की बात पता करके आया हूँ। यहाँ पर किसी पंटर ने अमेरिका से आए हुए आदमी को मारने का कांटेक्ट लिया है। सर उसका नाम भुवन, भुवन है सर। कहाँ मिलेगा वो? सर यहाँ पर एक गेम पार्लर है, उसमें सब पूल खेलते हैं, वो वहीं मिलेगा। ये हो क्या रहा हमारे साथ? और ये सोनिया कहाँ चली गई? मुझे क्या मालूम। चलो देखते हैं उधर। ओ, 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 ओ,
हेलो, हाँ बोलो। ठीक है मैं भी आता हूँ। क्या हुआ क्या? एक 10 साल का बच्चा है मुसीबत में। अच्छा तुम देखो, हम लोग इस भवन से मिलते हैं। चलो डेटू। ठीक है। सर वो देखिए सर, वो रहा आपका शिकार भुवन। क्या बात है भुवन जी, क्या शॉट मारा है। ये पैसा लेके सुपारी किलिंग आप ही करते हो ना? हाँ कुछ काम था। सुनिए ना भाई साहब, एक मिनट। हम लोग CID से हैं। देखो भुवन जी, चुपचाप हमारे सवालों का जवाब देना, वरना यहाँ सबके सामने इतना मारेंगे कि आपकी मिट्टी पलीद हो जाएगी। हैं? कैरम खेलें तुम्हारे साथ? ए, वहीं करो, हटो वहाँ से, जल्दी हट। अब बताओ, क्यों मारा उस अमेरिका से आए हुए आदमी को तुमने? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.